Hello everybody and a very warm welcome to Supporting Learners. I hope all of you are doing really great. So this is the part 5 of the chapter Principles of Inheritance and Variation, and the topic that we are going to discuss today is Mendel's Laws of Inheritance. Before starting the video, I would request you to subscribe to the channel and be a part of the community of Supporting Learners, and also hit the bell icon to get notified for every upcoming video. So in the last video we had talked about mono hybrid cross. बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था ये क्रॉस, और मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दिए थे दो रूल्स जिन्हें हम आज कहते हैं प्रिंसिपल्स और द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. वैसे तो मेंडल ने तीन लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के, बट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने दो जनरल रूल्स दिए थे, दैट इज द टू लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, नाउ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो स्टार्ट हम करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस से, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स. नाउ फैक्टर्स जो टर्म है वो मेंडल ने यूज करा था, आज हम इन्हें कहते हैं जीन्स. सो मेंडल ने कहा था कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं ये फैक्टर्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टेम हाइट की बात करें तो स्टेम हाइट जो कैरेक्टर है उसको कंट्रोल कर रहे हैं दो फैक्टर्स, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. नाउ दीज फैक्टर्स आर डिस्क्रीट यूनिट्स. डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेट, यानी कि कैपिटल टी एक सेपरेट फैक्टर है और स्मॉल टी एक सेपरेट फैक्टर है. नाउ द सेकेंड पॉइंट सेज दैट फैक्टर्स अकर इन पेयर्स. ये फैक्टर्स हमेशा पेयर में अकर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी साथ में आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन. राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाए तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और इसी तरीके से स्मॉल टी राइट. सो यहां ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, स्मॉल टी ओके. नाउ ये फैक्टर्स पेयर्स में अकर करते हैं क्योंकि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स करे थे वो पी प्लांट पे करे थे. पी प्लांट एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, और एक फैक्टर जो है वो आता है मेल पेरेंट्स से, और दूसरा जो फैक्टर है वो आता है फीमेल पेरेंट्स से. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट सेज दैट इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर. नाउ अगर हमारे पास ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी कैपिटल टी स्मॉल टी राइट, सो इसमें दो फैक्टर्स जो है वो अलग अलग हैं, डिसिमिलर हैं, तो ऐसे कंडीशन में मेंडल ने कहा कि एक फैक्टर जो है वो दूसरे फैक्टर को क्या करता है, डोमिनेट करता है. सो एक फैक्टर डोमिनेंट फैक्टर है और दूसरा फैक्टर क्या है, वो रिसेसिव फैक्टर है. सो यहां पर कैपिटल टी डोमिनेंट फैक्टर है और स्मॉल टी रिसेसिव फैक्टर है. राइट, नाउ अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें एक्सप्लेन क्या करता है. सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो एक्सप्लेन करता है एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन द F1. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो नाउ देखो जब मेंडल ने क्रॉस करा टॉल प्लांट्स को ड्वार्फ प्लांट्स के साथ, तो उन्हें F1 जेनरेशन में सारे प्लांट्स मिले थे टॉल प्लांट्स, उन्हें कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला था, क्योंकि टॉल जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है. द ट्रेट दैट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जेनरेशन इज अ डोमिनेंट ट्रेट. सो टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस. ओके, सो यहां पर देखो ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो मेंडल ने पेरेंट्स लिए थे, पेरेंटल जेनरेशन जो थी दैट वाज ट्रू ब्रीडिंग. ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होमोजाइगस. सो दिस इज कैपिटल टी एंड ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी. सो एक एलील आया एक पेरेंट से दैट इज कैपिटल टी, और दूसरा एलील आया दूसरे पेरेंट से दैट इज स्मॉल टी. ये बन गई हाइब्रिड कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन. सो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी. सो कैपिटल टी इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. कैपिटल टी इज फॉर टॉलनेस. ओके, सो कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, सो कैपिटल टी इज द डोमिनेंट फैक्टर. ओके, सो सिमिलरली टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट.
सेकेंड पॉइंट है एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स इन द F2. नाउ F2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास F2 में दोनों ट्रेट्स आए, टॉल बी और ड्वार्फ बी. ड्वार्फनेस F1 में देखने को नहीं मिली थी, बट यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस ही एक्सप्लेन करता है कि क्यों F2 में ड्वार्फनेस देखने को मिली. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब मेंडल ने क्या करा, इनकी सेल्फिंग करी थी, राइट. सो यहाँ पर अब हमारे पास जो प्रोजेनी आई थी, यहाँ पर प्यूनिट स्क्वायर से देखो, कैपिटल टी मिल गए, तो यहाँ पर ये टॉल हो गया. कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर मिल गए तो ये हेटरोजाइगस टॉल हो गया. सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ मिल गए तो ये भी टॉल हो गया. अब यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी जब साथ में मिले तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमारे पास ड्वार्फ ट्रेट भी एक्सप्रेस हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों रिसेसिव एलील्स जो हैं वो साथ में आ गए, और दोनों रिसेसिव एलील साथ में आ गए तो हमारे पास रिसेसिव ट्रेट भी एक्सप्रेस हो गया. और यहीं से हमने रेशियो भी निकाल ली थी, दैट इज द जीनोटिपिक एंड द फिनोटिपिक रेशियो, राइट. सो फिनोटिपिक रेशियो जो 3:1 वाली आई थी वो भी एक्सप्लेन करता है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके, राइट. सो द नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि एलील्स जो हैं दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने आपको बताया था. अब एलील्स ब्लेंडिंग शो नहीं करते, ये कैसे शो होता है, क्योंकि जो टॉल प्लांट्स थे वो सारे एक जैसे टॉल थे. ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट टॉल से कम हाइट का है और ड्वार्फ से ज्यादा हाइट का है. नो, ऑल द प्लांट्स वर ईदर टॉल और दे वर ड्वार्फ. और होमोजाइगस टॉल यानी कि कैपिटल टी वाले टॉल और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टॉल प्लांट्स, ये सब एक जैसे ही थे दिखने में, ओके. बाय लुकिंग एट इट यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस टॉल एंड हेटरोजाइगस टॉल. सो एली इसका मतलब है कि एलील्स की कोई ब्लेंडिंग नहीं है. ऑल्दो ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, बट इनकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी भी है, दे आर डिस्क्रीट यूनिट्स, ओके. नाउ आगे क्या कहता है, बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जेनरेशन, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 जेनरेशन. यहाँ पर किस कैरेक्टर की बात हो रही है, किस ट्रेट की बात हो रही है, ड्वार्फ ट्रेट की बात हो रही है, कि भाई ड्वार्फ ट्रेट ने अपने आप को F1 स्टेज पे तो एक्सप्रेस नहीं करा. F1 में कोई भी ड्वार्फ प्लांट देखने को नहीं मिला, बट F2 में जो है हमें ड्वार्फ ट्रेट देखने को मिला. इसका मतलब यह है कि कोई ब्लेंडिंग नहीं है कैरेक्टर्स में. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दो पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, द फैक्टर और द एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स. इसका मतलब क्या है कि जब मेंडल ने क्रॉस करा ये पेरेंट्स लिए, कैपिटल टी क्रॉस करा स्मॉल टी से, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर हमें पता है कि ये दोनों एलील्स क्या हो जाते हैं, अपने आप से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है. और एक जो गैमीट है उसे एक सिंगल फैक्टर ही ऑब्टेन होता है, ठीक है. सो वैसे ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दीज टू फैक्टर्स दे सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, and second of all these alleles segregate at the time of gamete formation, okay, so that one gamete receives only one factor, okay. अब ये एक पॉइंट क्या कहता है कि होमोजाइगस पेरेंट में ऑल द टाइप्स ऑफ गेमीट्स विल बी सिमिलर, और हेट्रोजाइगस के केस में द टू गेमीट्स विल बी डिफरेंट. सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो दोनों एलील्स क्या होंगे, दे विल बी सिमिलर, दोनों एलील्स एक जैसे होंगे, ठीक है. अब यहां से F1 ऑब्टेन कर लेते हैं हम, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है. अब मेंडल ने इसके बाद इनकी क्या करी थी, सेल्फिंग करी थी,
है ना, सेल्फिंग करी थी। तो सेल्फिंग के बाद अब यहाँ पर इन्होंने इसके भी गेमीट्स ऑब्टेन करे थे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये डिससिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स है, तो यहाँ पर अब गेमीट्स भी जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स के बनेंगे। ठीक है, सो अगर हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं ये सिमिलर हैं, होमोजाइगस कंडीशन है, तो इनके गैमीट्स भी सिमिलर टाइप के होंगे, और अगर हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं ये डिसिमिलर पेयर है यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो इसमें गैमीट्स भी दो डिफरेंट टाइप के बनेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व सम एमसीक्यूज टू टेस्ट व्हाटएवर वी हैव लर्नड। सो पॉज द वीडियो एंड कॉमेंट डाउन द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। So the first question is that Mendel's second law is known as A law of dominance, B law of probability, C law of segregation or D law of Punnett. Question number 2 says Mendel formulated the law of purity of gametes on the basis of test cross, back cross, monohybrid cross or dihybrid cross. Question number 3, the law of dominance, dominance recessive is proved by A back cross, B incomplete dominance, C monohybrid cross or D dihybrid cross. Question number 4, Mendel's principle of segregation is based on the segregation of alleles during A, gamete formation, B, seed formation, C, pollination and D, embryo development. Question number 5 says, for a given character, gamete is always homozygous, pure, hybrid or heterozygous. Question number 6, Mendel's law of heredity can be explained with the help of A, mitosis, B, meiosis, C, cloning or D, rRNA. Question number 7 says, which is correct about the traits chosen by Mendel? A, terminal pod is dominant, B, constricted pod is dominant, C, green pod is dominant or D, tall plants are recessive. Thank you for watching this video. I hope you were able to understand it. Give it a like if you were able to understand it and also subscribe to the channel, and I'll see you in the next video.